5 अप्रैल की रात को बेंगलुरु के गोरेपालिया इलाके में चंद्रू नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा कि मुसलमानों ने चंद्रू की हत्या इसलिए की क्योंकि उसने उर्दू बोलने से मना कर दिया और अपनी मातृभाषा कन्नड़ा में बात की। कन्नड़ न्यूज आउटलेट कस्तूरी न्यूज 24 ने घटना के बारे में खबर प्रसारित की थी, जिसे कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने शेयर किया। दक्षिणपंथी मीडिया संगठन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल में बताया कि 22 वर्षीय चंद्रू की 3 लड़कों ने बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी और ये हत्या कथित तौर पर उर्दू नहीं बोलने की वजह से की गई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि सहित TV9 कन्नड़ा ने भी यही दावा किया। यहां तक कि कर्नाटका के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि चंद्रू की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो उर्दू नहीं जानता था। लेकिन जांच करते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि इस मामले की सच्चाई कुछ और ही है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने ट्वीट करते हुए बताया कि 5 अप्रैल की रात साइमन राज और चंद्रू मैसूर रोड पर एक होटल में खाना खाने गए थे। वापस लौटते वक्त वो शाहिद की बाइक से टकरा गए। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई जिसमें दूसरे लोग भी शामिल हो गए। इस दौरान शाहिद ने चंद्रू की दाहिनी जांघ पर चाकू मार दिया और वहां से भाग गए। चंद्रू को विक्टोरिया अस्पताल में ले जाया गया लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। द हिंदू ने रिपोर्ट किया कि पुलिस ने इस मामले में 21 साल के शाहिद पाशा और 22 साल के शाहिद गोली को गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु के एक स्थानीय पत्रकार ने नाम नहीं बताने की शर्त पर ऑल्ट न्यूज को बताया कि किसी भी पुलिसकर्मी ने इस घटना को सांप्रदायिक नहीं बताया है। राज्य के गृह मंत्री अराग्या ज्ञानेंद्र ने और ज्यादातर मीडिया संगठनों ने बिना सच्चाई जाने इस दावे को शेयर किया। रिपोर्टर ने हमें FIR की कॉपी भी भेजी। ये FIR साइमन राज ने दर्ज कराई थी, जो खुद भी ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। FIR में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उर्दू बोलने से मना करने पर चंद्रू की हत्या कर दी गई। कर्नाटका पुलिस ने कस्तूरी न्यूज 24 की रिपोर्ट को झूठा बताते हुए एक फैक्ट चेक रिपोर्ट शेयर की। तो जैसा कि हमने देखा, बेंगलुरु में बाइक टकराने को लेकर हुए विवाद के बाद चंद्रू नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई। इस घटना को भाजपा नेता और मीडिया संगठनों ने सांप्रदायिक रंग देकर शेयर किया। राज्य के गृह मंत्री अराग्या ज्ञानेंद्र ने बाद में माफी मांगते हुए अपना बयान वापस लिया।